जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को दिन की शुभकामनाएं। चलो मैं होमवर्क करके आया हूँ। एक सवाल था कल हमारे संदीप प्लैनेट से कुछ कि बच्चे बड़े होकर क्यों मर जाते हैं। ये नोट्स मैंने कुछ बना के लाया हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ। उनको बोला था यार वीडियो फोटो भेजो, वो खुद बोले, लेकिन उन्होंने कुछ वीडियो फोटो मेरे को कुछ भेजे नहीं। तो टॉपिक तो मिल गया था मुझे, तो वही मैं एक बार इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर, लेकिन अभी थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझा के बताएंगे तो डीप में अच्छा समझ में आएगा आपको। सबसे पहले जो लॉफ्ट होता है आपका, उसमें सबसे पहले देखो, अभी भी मैंने ना चना दिया हुआ है फीड में, दिख रहा है कि आपको, देखो चना है, है? जो मैं बोल रहा हूँ ना वो करता हूँ, ऐसा नहीं कि बस वीडियो बनाने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले जो होता है भैया, जैसा मेरा जो लॉफ्ट है, आप लॉफ्ट रखो, लॉफ्ट रखना है या मेल फीमेल की ऐसी दड़वे ऐसी बना के रखने, पिंजरे वाले ऐसे रखो, कुछ भी रखो, आपको जैसी रखना है वैसी रखो, लेकिन उसमें जो होना चाहिए भैया प्रॉपर वेंटिलेशन, सबसे बेस्ट सॉरी मस्ट, यानी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के बाद में भैया सनलाइट। सेकंड थिंग ऐसा है कि आपका पिजन के दड़वे में या आपके पिजन को सनलाइट होना या सनलाइट में वो रहना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, ये मस्ट है, ये बात ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक हो गया वेंटिलेशन, दूसरा हो गया सनलाइट, फिर सेकंड आपको करना है जितने भी आपके अंडे बच्चे वाले जो भी कबूतर हो, जिनके बच्चे हो वो ठीक है, या लग रहा है कि अभी ये बच्चा मर गया है वो भी ठीक है, जैसी जो भी अंडे बच्चे वाले आपके पेयर है उनमें से अंडा उठा के आप फेंक दो। बच्चे जिनके पास में है अब रहने दो, लेकिन जिनके पास में अंडा है वो आप फेंक दो, ठीक है। उसके बाद में आप अगर आपको हो सके, अगर दूसरा लॉफ्ट है तो अपने कबूतर को दूसरे लॉफ्ट में आप शिफ्ट करो, और यदि नहीं है और प्रॉपर वेंटिलेशन है तो साइफर मीथेन 1 लीटर में 5 ml, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, देखो आप 1 लीटर में 5 ml साइफर मीथेन मिला के आपको एक दिन के गैप में अपने खनी में, अपने मतलब आप रहते हो वो खनी में नहीं, कबूतर के खनी में आपको स्प्रे करना है। पर ये जो स्प्रे है भैया, ये स्प्रे उनके नाक से या आँख पे नहीं लगना चाहिए। आप बच्चों को उठा के स्प्रे करो, थोड़ी देर के बाद में बच्चों को वहाँ पे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप मिट्टी डाल रहे हो या धान डाल रहे हो, जो भी आप डाल रहे हो भूसा डाल रहे हो उसके ऊपर में आप रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मरते बच्चे। मैं अपने यहाँ पे वही करता हूँ। ऐसा आपको 15 दिन तक के मतलब 1 महीना करना है, एक दिन के गैप में। उसके बाद में आपको डेली चना देना है, जो भी आप फीड दे रहे हो उसमें डेली चना देना है, सॉफ्ट फूड कन्वर्ट करके, मतलब सॉफ्ट फूड मतलब एक दिन के पहले रात में आप भिगोने के लिए डालो, दूसरी दिन वो चना आप उनको दो भिगोया हुआ, ठीक है। बच्चे नहीं खाएंगे छोटे, लेकिन माँ बाप जरूर खाएंगे, थोड़ा बात के ऊपर में गौर करूँ। और उसके बाद में इनको पानी में सप्लीमेंट डेली देना है आपको, ठीक है, पानी में सप्लीमेंट रेगुलर 1 महीना देना है। अब सप्लीमेंट में क्या है, आप मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स कोई भी दे सकते हो, जो आपको वहाँ पे मिल रहा है जो है वो आप दे सकते हो। इंसानों का ना देते हुए एनिमल का थोड़ा प्रेफर्ट करना दोस्त, ये बात ध्यान में रखना, एनिमल का ही बहुत अच्छे से काम करता है। और कोई भी सप्लीमेंट हो या एंटीबायोटिक हो, जो प्रमाण लिखा है उससे ज़्यादा मत डालना, ना उससे कम डालना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रमाण डालने से भी आपके कबूतरों का या जो पंछी है या प्राणी है उनका लीवर जो है भैया डैमेज हो सकता है, ये बात थोड़ा सा गौर फरमाओ। ऑप्शन में आप विटामिन ए या न्यूरोकाइन प्लस दोनों मिला के, यानी 1 लीटर में आप समझ लो दोनों मिला के 2.5 ml दोनों मिला के आप डाल सकते हो 15 दिन तक। और प्रिकॉशन के लिए, जैसे कि आपके खनी के अंदर में बच्चे मर रहे हैं और कोई वायरस हो सकता है या कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है,
इस रीजन से मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आप गोली आती है, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको। ये एक गोली आपको 1 लीटर में देना है कंटिन्यू 5 दिन के लिए, यानी आप मल्टीविटामिन भी डालोगे और ये एक गोली भी डालोगे, ठीक है, 5 दिन के लिए 1 लीटर। ये बात आपको गौर फरमाना है। और उसके 5वें दिन के बाद में 1 दिन आप गैप छोड़ के आप 6वें दिन से फिर 5 दिन तक के एंड्रोफ्लोक्सासिन, जो साल्ट नेम है, जिसमें बहुत सारी दवा आती है, यानी कि मेरी क्वीन बहुत फेमस है, इजीली मिल जाती है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, देख लो, ये दवा आपको फिर 5 दिन देना है 1 दिन गैप देके, ठीक है, यानी आपका 10 दिन का कोर्स ये हो गया। फिर 13वें या 14वें दिन आप अपने कबूतरों को वैक्सीनेशन करना है। देखो भैया, वैक्सीनेशन मैं पहले बोल सकता था, लेकिन वैक्सीनेशन इसलिए पहले नहीं बोला कि अगर आप वैक्सीनेशन करोगे तो एंटीबायोटिक से आपके वैक्सीनेशन का जो असर है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, इसलिए सभी प्रकार का एंटीबायोटिक का हमने कोर्स कर लिया, जो मेरे को रिक्वायरमेंट था, जो उनको रिक्वायरमेंट था मेरे नॉलेज के हिसाब से, वो हमने कोर्स करने के बाद में उनको हमने वैक्सीनेशन कर दिया 14वें दिन या 13वें दिन। 10 दिन का आपका कोर्स हो गया एंटीबायोटिक का, मल्टीविटामिन का 15 दिन का कोर्स है, 1 दिन छोड़ देना जिस दिन आप वैक्सीनेशन करोगे, ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद में आपको कोई भी एंटीबायोटिक का डोज नहीं देना है, और वैक्सीनेशन जो है वो ज़्यादा भी क्वांटिटी का आप लेके आए और कम भी कबूतर को दिए तो कुछ भी आपका नुकसान नहीं है उसमें, ये बात ध्यान में रखना। अगर आपके पास में मैं बोलता हूँ 100 कबूतर है तो आप 200 का खरीद के लेके आओ, और 500 का भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना पानी पीने के बाद में, बाकी का पानी आप 3 घंटे के भीतर में फेंक दो। ये जो सारी मैंने दवा बताया हुआ है ये सारी 3 घंटे के अंदर में भीतर ख़त्म हो जाना चाहिए, 3 आवर्स के अंदर में ये सारी दवाएं जो है आपकी ख़त्म हो जाना चाहिए, ये बात थोड़ा सा गौर फरमाना, क्योंकि 3 आवर्स के बाद में पानी के अंदर में दवा डायलूट होने के बाद में उसका जो असर है भैया वो ख़त्म हो जाता है। मैं हमेशा आपको वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, और इसलिए मैंने अभी जो है दवा डालने, मैं खुद ने अभी ये दवा डाला हुआ है, आप देख रहे हो मैं पानी का छोटा बर्तन रखा हुआ है, क्योंकि ये 3 घंटे के अंदर में भीतर में ख़त्म हो जाएगा, या हो सकता है शाम तक के ख़त्म हो जाए, क्योंकि पंछी कम हो गए ना अभी अपने पास में, ठीक है। और इसके बाद में माशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा दोस्त, जो मैंने बोला हुआ है उसको ध्यान से सुनना। आप सेकंड थिंग सुनो, जो रेगुलर मेरा वीडियो देखता है उसको मेरे सारे सवालों के, उनके सारे सवालों के जवाब मिलते ही है भाई। मस्ट है कि वो जो मैंने आपको दवा बताया हुआ है टेढ़ी की, अब टेढ़ी की दवा में ऐसा है भैया कि मोस्टली आपके कबूतर तो सुधर जाते हैं, अब नहीं सुधरने वाले कबूतर का ऐसा होता है कि भैया सबका पावर, इम्यून पावर या रिस्पॉन्स टाइम एक जैसा नहीं होता है, गौर फरमाओ मेरे बात को, एक जैसा नहीं होता है। तो आपने उसको दिए इंजेक्शन वेल एंड गुड, आपने उसको जो मैंने बोला वैसा कोर्स किए वेल एंड गुड, आपको और कोई अच्छा लगता है वो कोर्स कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बोला है वही करो। तो आपको करने के बाद में आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, आपको उसको हैंड फीडिंग करना पड़ेगा, उतना ही हैंड फीडिंग करना पड़ेगा जितना उसको रिक्वायरमेंट है, यानी जिंदा रहने के लिए रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीमारी में आपने ज़्यादा हैंड फीडिंग करने से कबूतर आपका मर जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए उसको कम से कम हैंड फीडिंग कराओ, और मल्टीविटामिन्स उसको सप्लीमेंट के तौर पे पानी के साथ में मिक्स करके दो, और जो आपका लखवे का कबूतर उसको न्यूरोबियन फोर्ट का एक गोली आता है जो बहुत पुराना है और सबको पता आसानी से मिल जाता है, डेली एक गोली उसको खिलाओ पीस के पानी में, एक गोली खिला दो उसको मॉर्निंग में या रात के टाइम में खिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आपको करना है जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता, आप देखना 15 दिन के अंदर में रिजल्ट ज़रूर आएगा। जिस कबूतर को रिजल्ट नहीं आया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो सबको आता है। देखो मोस्ट प्रोबेबली फैक्टर बहुत सारे हैं आपके पास में, आपने जो दवा लाया है उसका जो उसमें लिखा हुआ है कि एक्सिट टेम्परेचर, इसके ऊपर का टेम्परेचर नहीं चाहिए। अब जिस केमिस्ट ने रखा हुआ है उसने क्या टेम्परेचर में वो दवा मेंटेन किया है नहीं किया है आपको क्या पता, तो आपका दवा असर नहीं करेगा ना दोस्त, ये बात थोड़ा सा गौर फरमाओ मेरी बात को, ऐसा है। तो इसलिए आपने दे दिए उसको डबल मत दो, टिबल मत दो, आपने दे दिए आप वेट करो, जो मैंने बोला है एज इट इज़ वैसा, कि एक बार दिए दूसरी बार दिए रिजल्ट नहीं आया आप चुपचाप बैठो,
उसको हैंड फिटिंग कराओ और अपना न्यूरोबियन फोर्ट का गोली चलाओ, इतना ही मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। वेट करो, 15 दिन के अंदर में मैं गारंटी बताता हूँ कुछ ना कुछ सुधार तो जरूर आ जाएगा। किसी का रिस्पॉन्स टाइम अलग अलग होता है यार, जैसा ऊपर वाले ने हमको बनाया है वैसा इनको बनाया है, सेम थिंग है, ठीक है। तो मैं रखता हूँ दोस्तों, आई होप सो कि आपको आज के वीडियो अच्छा लगा, और यहाँ तक कि आप लोगों ने वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि बाकी के जो वीडियो है या पहले के भी जो वीडियो है जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं वो आपको देखने को मिले, ठीक है। रखता हूँ।